हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की स्पाइडर वाली फनी फ्रैंक वीडियो आप कैसे शूट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ में, या घर में कोई छोटे बच्चे उनके साथ में इस तरह की मस्ती मजाक करने के लिए इस तरह की फनी वाली स्पाइडर फ्रैंक वीडियो आप कैसे शूट कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। इन दोनों एप्लीकेशन में से जिस भी एप्लीकेशन का स्पाइडर वाला फिल्टर आपको ज़्यादा पसंद आए, आप उसका इस्तेमाल करके आप वीडियो शूट करके आप इस तरह की कुछ फ्रैंक कर सकते हैं, उनके साथ फनी वीडियो बना सकते हैं स्पाइडर वाली। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की फनी वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी के फोन में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन तो जरूर होती है, तो आप अपने फोन की इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाती है, तो राइट साइड में ऊपर आप देख सकते हैं एक प्लस का आइकन देखने को मिलती है, आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पे नीचे में आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, पोस्ट, स्टोरी, रील और लाइव का। तो आप रील वाले सेटिंग पे क्लिक करेंगे, रील वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके फोन का जो कैमरा है वो यहाँ पे ओपन हो जाती। तो यहाँ पर दोस्तों आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री स्टार, आपको तीन ठो स्टार देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके फोन के जो इंस्टाग्राम का जो फिल्टर वाला सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार में क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च वाला बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इतना लिखकर सर्च करेंगे स्पाइडर। स्पाइडर लिखकर सर्च करेंगे तो स्पाइडर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो फिल्टर्स वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस वाले फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है हंग्री स्पाइडर। तो आप हंग्री स्पाइडर वाले फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही अब आपके फोन में ये फिल्टर है जो वो ऑन हो चुकी है, जहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं एक कॉकरोच है, फिर यहाँ से एक स्पाइडर आती है जो इस कॉकरोच को यहाँ पे इस तरीके से खा जाती है। उसके बाद आपके फेस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पाइडर जो है इस तरीके से चलते हुए आपको देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आप वीडियो शूट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ में आप फ्रैंक कर सकते हैं और उन्हें चौंका सकते हैं, डरा सकते हैं। बस आप वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे जो नीचे सर्कल वाला आइकन है आप इस पर टैप करके अब यहाँ पे आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस में अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक स्टोरी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम के अंदर में आपको फिल्टर मिल जाती है। दूसरी एप्लीकेशन की बात करो दोस्तों तो वो है स्नैपचैट। अगर आप स्नैपचैट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तब तो और भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसकी फिल्टर जो है वो इंस्टाग्राम से बेहतर मुझे लगी है। तो सबसे पहले आप अपने फोन के स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे, ओपन करते ही आपके फ्रंट कैमरा यहां पे इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आप यहां पे नीचे फिल्टर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इमोजी वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इसे राइट साइड एक बार स्वाइप करके इस तरीके से ऊपर स्वाइप करेंगे, ऊपर की ओर स्वाइप करने के बाद इस तरीके से सर्च बार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको सर्च करना है स्पाइडर। चलिए हम लिखकर सर्च करते हैं स्पाइडर। लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्पाइडर से रिलेटेड आपको यहां पे फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको फर्स्ट वाले फिल्टर को ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे एक लड़के का फोटो है चेहरे पे स्पाइडर, आपको इसी फिल्टर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ये फिल्टर आपके फोन में ओपन हो जाती है। दोस्तों स्नैपचैट की जो स्पाइडर वाले जो फिल्टर ये एकदम रियल में देखने को मिलती है, आप जैसा कि देख सकते हैं इंस्टाग्राम से बेटर मुझे जो है स्नैपचैट की स्पाइडर वाली फिल्टर मुझे पसंद आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके से आप स्नैपचैट फिल्टर का इस्तेमाल करके इस तरीके से स्पाइडर वाली आप एक वीडियो बना सकते हैं, या फिर आपको इंस्टाग्राम की स्पाइडर वाली फिल्टर पसंद आती है तो आप इंस्टाग्राम की स्पाइडर वाली इस वाली फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी फिल्टर पसंद आए आप उस एप्लीकेशन का फिल्टर को इस्तेमाल करके आप अपने घर के छोटे बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ इस तरह के आप फ्रैंक वीडियो बना सकते हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक आने वीडियो में कुछ नए एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।